केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के खिलाफ आज विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों ने चक्का जाम किया है। इस चक्का जाम के समर्थन में आज जिले के रणधीर वर्मा चौक पर भी वाम दलों ने एक रैली निकाली और किसानों का समर्थन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मासद सहित अन्य वाम दलों ने किसानों के समर्थन में आज एकजुटता रैली निकाली और किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मासद जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद पप्पू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून को लाकर किसानों को बंधुआ बनाना चाहती है और किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह कानून लाया गया है। सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, वरना किसान आंदोलन करते रहेंगे और हमारा भी समर्थन किसानों को जारी रहेगा। लोगों ने पूरे भारतवर्ष में जो किसान आंदोलन लंबे समय से चल रही है और जो सरकार का दमन, उन पर अन्याय, अत्याचार जो कर रही है, इसके खिलाफ में हम लोगों का धरना है। हम लोग चाहते हैं जो कथा कथित कृषि कानून मोदी जी ला के देश में किसानों को बधुआ बनाना चाहते हैं, जमीन छीनना चाहते हैं, हम उसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को उनका वाजिब हक MSP मिलना चाहिए और बड़े दलाल पूंजीपतियों को चोट मिलना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में हम लोग जुटे हैं किसान के मांगों को पूरा करने के लिए।